राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया। बदमाश आए दिन लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत नेहरू विहार गली नंबर 8 का है, जहां दोपहर के बाद दो मोटरसाइकिल बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलर की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। वहीं जाते वक्त बदमाशों ने एक कारीगर को भी गोली मार दी। कारीगर के पैर में गोली लगी है, जिसे जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मैं मतलब अपनी गाड़ी लेके आया था, हाँ, तो मैं और ये आए थे, तो ये तो ऊपर चला गया था। मैं अपना रस्सी खोल रहा था बिस्कुट उतारने के लिए, तो पीछे से चिल्ला रहे थे, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो मैं बिल्कुल जस्ट मेरे इतने में, इतनी दूरी थी सेम सुन साल का, इतने में ना इसके साइड से पतली सी गली निकल रही थी, तो उन्हें लगा कि मैं पकड़ रहा हूँ। पहले तो उन्हें इतने उस टाइम नहीं लगा था, उस टाइम तो मैं खोल रहा था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। वो जैसे आए ना, तो उसमें से एक बंदा उतर गया था, वो पतली गली से निकालने के लिए आया था, साथ उनको पता था कि इधर से गली है। तो वो कौन लोग थे, क्या कर रहे थे? वो मुझे नहीं पता ये सब क्या कर रहे थे, वो पीछे से चिल्ला रहे चोर 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 चोर। तो मेरा पलट कर देखा, तो उन्हें लगा कि मैं भी पकड़ रहा हूँ। अच्छा, बाइक पे थे वो? उस बंदे की मेरे से ना थोड़ी टक्कर भी हो गई थी, क्योंकि मैं पीछे हुआ था ना, बिस्कुट का रस्सी खोलने में। तो क्या लगा वो जो जिन्होंने आपकी गोली मारी है, वो कौन लोग थे, क्या थे? मेरे को नहीं पता था कौन थे। कहीं लूट करके आ रहे थे वो? शायद लूट करके ही तो आ रहे थे, तभी तो मारी है। दोनों ने हेलमेट पहन रखी था और बैग पहन रखा था। देखिए, ये जो वारदात हुई है, एक तरह से है तो बहुत ही खराब, और हमारे लिए एक सदमा है। और रही बात पुलिस की, सर, पुलिस वाले रात को गश्त करते हैं, उनको पहले कोई इल्जाम देना चाहिए ऐसा नहीं है। पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, पहले भी एक दो बार यहाँ पे चोरी हुई है, तो पुलिस वालों को बताया गया, पुलिस वालों ने उसका एक्शन भी लिया, वो पूरा जो गैंग था उसको भी पकड़ा है सर। लेकिन ये जो वारदात हुई है, बड़ी हमारे एक तरह से सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी गली में ऐसा काम कुछ हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, त्योहारों का भी समय आ रहा है, लोगों को जागरूकता के लिए? सर, यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे यहाँ गश्त बढ़ जाए, पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि त्योहारों का टाइम है। और इस घटना के वजह लोग काफी विचलित भी है और दुखी भी है, इस टाइम परेशान भी है लोग। और अभी आपने भी देखा हो गली में कैसे लोगों की भीड़ हुई है, हालांकि पुलिस फोर्स पूरी आई हुई है, पुलिस वालों ने भरोसा दिलाया है। एसीपी साहब है और SHO जैन साहब ने, उन्होंने बोला है कि आप चिंता मत करो, हमसे 24 घंटे के अंदर ये वारदात खोल देंगे। वहीं पुलिस CCTV कैमरों के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल बन गया, लोग पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाते नजर आए। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 9211432902, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973215।
3-4।